नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोजगार दैनिक समाचार में। मेरा नाम है भीमा चित्रा और यहाँ पर पहली खबर आपके स्क्रीन पर। CAPF भर्ती में मेडिकल और प्रमाण पत्र की जांच 17 से होगी। यहाँ पर ये देखिए रिपोर्ट दिया गया है, चयनित के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 17 से किया जाएगा। 24 जुलाई तक दो पाली में होगा सत्यापन। और राजकीय इंटर कॉलेज GIC के लिए चयनित हुए 911 सहायक अध्यापकों का जो प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 17 से 24 जुलाई तक होगा। और इसका विस्तृत कार्यक्रम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की जो वेबसाइट है उस पर शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। सत्यापन 7 दिन तक दो पाली में होगा और ये पूरी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल आर्म्स व पुलिस फोर्स यानी कि CAPF जो सिपाही भर्ती 2022 की शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण PET में सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण और उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन 17 जुलाई से कराने की तैयारी की जा रही है। वहीं पर एक बड़ी खबर है आपकी स्क्रीन पर, ये दिखाई जा रही है, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर के 20 पदों पर साक्षात्कार जल्द ही शुरू होगा और यहाँ पर ये रिपोर्ट पूरी दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको बातें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगली खबर की बात करें तो काउंसिल की कट ऑफ जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। वर्ष 2011 की TGT PGT का विवरण 13 को वेबसाइट पर जारी होगा और प्रतीक्षा सूची के चयनित में 10 से 26 जुलाई तक कराई जाएगी काउंसलिंग। ये रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। वहीं पर अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी के अनुसार विज्ञापन संख्या 1/2026 प्रशिक्षित स्नातक के 25% अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों का ब्यौरा शुक्रवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ये रिपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सहायक अध्यापक के चयनितों का अभिलेख, हालांकि ये खबर हो चुकी थी। वहीं पर एक बड़ी खबर है, 25,000 नए फैक्स से 1,00,000 को रोज़गार मिलेंगे और 25,000 PPACs खोले जाएंगे। ये रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। और अगली खबर की बात अगर करें तो ये रिपोर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रमुख खबरें जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, SSPHPGTI में आवेदन कर सकते हैं 96 पदों के लिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रोफेसर की भर्ती है, प्रोफेसर की भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप यहाँ से पूरी डिटेल लेके। और ये आवेदन शुल्क काफ़ी ज़्यादा है, ₹5,000 आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो आप आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद CSIR CE CRI में निकली है 18 पदों के लिए भर्ती। अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, ये वेबसाइट आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। ₹500 का शुल्क है और 31 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर एक बड़ी खबर, UPSC ने जारी कर दिया है, 530 पदों पर बम्पर भर्ती, ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद खाली हैं। सो आप आवेदन करना चाहते हैं तो एज आपकी 21 से 40 के बीच होनी चाहिए और जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होती है PET 2022 के अनुसार इसमें सिलेक्शन होगा और उसके बाद आप मेन एग्ज़ाम फिर दे पाएंगे। और ₹25 का शुल्क है, 11 जुलाई 2023 से लेकर 1 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं पर अगर अगली खबर की बात करें तो ये कुछ आपके स्क्रीन पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए इंटरव्यू के लिए ये वेबसाइट है, आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। वहीं पर ट्रांसलेटर, स्वास्थ्य विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम के कुछ पद हैं, ये वेबसाइट आपके स्क्रीन पर है। तो ऐसी ही डेली अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपका कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।